वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिसेंटली सोनी लाइव प्लेटफॉर्म से रिलीज हुई एक मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है आवासा व्यूहम। इस मूवी का दूसरा नाम भी है द आर्बिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एन एम्फीबियंट हंट। इस मूवी को काफी सारे अवार्ड्स मिले, जैसे बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्क्रीन प्ले। बात यह है कि यह मूवी आम मूवीज की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इस मूवी की स्टोरी हम ऑडियंस को एज ए डॉक्यूमेंटेशन की तरह दिखाने लगते हैं, मतलब बीच बीच में कुछ कैरेक्टर्स आकर हम ऑडियंस को ये बताने लगते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। इन सारे लोगों की जिंदगी में एक बंदा आता है, वो सारे लोग उस बंदे के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। और इसी तरह ये मूवी नेचर के रिलेटेड है, सो कुछ प्रोफेसर स्टूडेंट्स को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग कुछ स्पेशल स्पीसीज के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। मतलब जब स्टोरी चल रही होती है, अचानक से ये लोग कोई स्पीसीज का जिक्र करने लगते हैं, जैसे फिश हो, स्नेक हो। सो इन स्पीसीज के बारे में वहाँ पर डिस्कस करने लगते हैं कि ऐसे स्पीसीज कहाँ से आए, क्या क्या टाइप्स है इसमें, क्या क्या करते हैं ये। सो इन सारे चीजों को हटाकर जो मेन स्टोरी है वही मैं आपको बताऊंगा, और लास्ट में इस मूवी का मीनिंग भी। एक्चुअली एक साइंस फिक्शन कॉमेडी टाइप मूवी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। रोज से पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। इस मूवी की कहानी चैप्टर्स में बताई गई। सो पहले तो कुछ प्रोफेसर अपने साथ जो इंसिडेंट हुआ वो हम लोगों को बताने लगते है। 2015 में डॉक्टर सेबेस्टियन और उनके तीन साथी वेस्टर्न घाट्स गए थे। इन लोगों को पता चला था कि वहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के फ्रॉग्स पाए जाते हैं, ऐसे मेंढकों की तलाश करने के लिए, उनकी एग्जामिनेशन करने के लिए। वहाँ पर जॉय नाम का एक बंदा इन लोगों को मिलता है, जो एज ए गाइड की तरह उन लोगों को वहाँ पर घुमाने लगता है। जॉय कुछ अजीब सी आवाजें करने पर इसकी आवाज सुनकर उस जंगल के सारे मेंढक इसके पास आने लगते है। इस तरह से वो प्रोफेसर अपने अपने बारे में बताने लगते है। खैर चैप्टर 1 लीजी 2017 की घटना। सो लीजी नाम की एक लड़की हम ऑडियंस को अपने बारे में बताने लगती है कि इसका नाम लीजी है, इसको पढ़ाई करना बहुत पसंद है, लेकिन 10 क्लास में बार बार फेल होती आ रही है, इसलिए इसने पढ़ाई करना ही छोड़ दिया। बाद में कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करने की सोचा, लेकिन इससे नहीं हो पाया, इसके घर वाले नहीं माने। उसके बाद लीजी अपने माँ बाप पर बोझ ना बनते हुए ये एक झींगों की फैक्ट्री में ज्वाइन हुई। अब उसी फैक्ट्री का ओनर का नाम होता है सजीवन, जो लीजी से शादी करने का सोच रहा होता है। सजीवन की पहले ही शादी हो चुकी होती है, इसकी बीवी मर गई थी। खैर एक दिन सजीवन और उसका छोटा भाई मुरली लीजी के घर जाते हैं शादी की बात करने के लिए। लीजी की माँ को ये रिश्ता बहुत पसंद होता है, मतलब लीजी की माँ किसी भी तरह करके लीजी की शादी करवाना चाहती है, लेकिन टाइम देखकर लीजी सजीवन को उसके मुंह पे ही बोल देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम एक गुंडे हो, आई कांट। ये देखकर मुरली को बहुत गुस्सा आता है, लीजी के घर वालों पर टूट पड़ता है, और इत्तेफाक से वहीं पर जॉय होता है। जॉय मुरली और सजीवन को रोक लेता है, इन दोनों को डरा धमका कर वहाँ से भेज देता है। घर जाते समय ये दोनों जॉय पर बहुत गुस्सा होते हैं, एक दूसरे में डिस्कस करने लगते हैं कि उस टकले को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब जॉय के बारे में बात करें तो किसी को पता नहीं कि ये कहाँ से आया। कुछ लोग इसको बांग्लादेशी समझते हैं, कुछ लोग श्रीलंकन। जॉय के पास अपना कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, और इसी तरह ये लोगों से उतना बात भी नहीं करता। जॉय लीजी की फादर की हेल्प करने की वजह से लीजी के घर वाले जॉय को अपने घर में ही रख लेते हैं, बस 3 वक्त इसे खाना देते हैं। इसी दरमियान में जॉय और लीजी ये दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं, करीब मतलब आप समझ जाओ एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। एक दिन मुरली प्लैंको और एक और बंदे के साथ जॉय के पास जाता है ताकि ये तीनों जॉय को सबक सिखा सके, लेकिन जॉय प्लैंको को सिर्फ एक ही छापड़ मारने पर प्लैंको नीचे गिर जाता है। और कुछ दिनों बाद ये चारों लोग दोबारा जॉय को मारने का प्लान बनाते हैं। रात के वक्त जॉय के पास जाने लगते हैं, और उस वक्त जॉय और लीजी एक छोटे से जंगल में होते हैं एक साथ कांड करते हुए। जॉय को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आया है, फटाफट से लीजी को उसके घर भेज देता है। उसके बाद किसी भी तरह करके जॉय सजीवन को मार देता है बेरहमी से। दूसरे दिन न्यूज चैनल्स में यही न्यूज चलने लगती है कि एक अनजान बंदे ने सजीवन नाम के एक बंदे को मार दिया, अब वो गायब है, पता नहीं कहाँ पर गया। इस तरह से बीच बीच में मुरली प्लैंको और डॉक्टर हम ऑडियंस के सामने आकर जॉय के बारे में कुछ बातें बताने लगती है। सडनली इनकी टॉपिक किसी मेंढक पर शिफ्ट होती है, उसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं, और इसी तरह इंसिडेंट कुछ और होता है। ये लोग हम ऑडियंस को कुछ और ही बातें बताते रहते हैं। खैर इस हादसे के बाद लीजी ने जॉय को कभी नहीं देखा, जॉय लौट के लीजी के घर नहीं आया। लीजी ने जॉय को काफी जगहों पर तलाश किया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं होता। चैप्टर 2 नाम है वावा, ईयर है 2018। चैप्टर की शुरुआत में ही सुशीलन वावा नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है, सारे लोग इसको वावा कहकर ही बुलाते हैं। अब इसका नाम वावा कैसे पड़ा ये भी ये बंदा हम लोगों को बताता है। एक्चुअली इनकी फैमिली का काम ही झिंगो को पकड़ के बेचना। सो वावा की जिंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी, लेकिन सडनली एक दिन एक सांप वावा के फादर को डस के मार दिया। वावा उस सांप के बारे में भी हमको बताता है,
कि ऐसे सांप कहां से आते हैं, कौन से प्रजाति के हैं, कौन से प्लेस के रहने वाले हैं। खैर वावा का फादर मरने के बाद वावा बैंक से कुछ लोन लेकर झींगों की फार्मिंग करने लगा, लेकिन वो बिजनेस भी उतना खास नहीं चला, पैसा डूब गया। इसी दरमियान में वावा को बहुत ही अच्छे पैसे कमाने का एक रास्ता मिला। नीरज नाम का एक बंदा वावा से मुलाकात किया, वावा को अपना बिजनेस आइडिया बताने लगा। उस आइडिया को हम गोली मारते हैं, वावा का काम सिर्फ यही था कि वावा कुछ लोगों को अपने नीचे ज्वाइन करवाए। मतलब आप लोगों ने ऐसे स्कीम से देखे ही होंगे कि पहले हमको 4,000 रुपए पे करना होगा उस कंपनी में ज्वाइन होने के लिए, उसके बाद हम लोग हमारे नीचे और कुछ लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा, इस काइंड ऑफ सम साइकिल। जितने लोगों को ज्वाइन करवाएंगे उतना कमीशन हमको मिलता रहेगा। खैर इसी दरमियान में एक दिन वावा मीटिंग अटेंड करके जब अपने घर जा रहा होता है बीच के रास्ते से, उसी बीच के पास वावा को एक बंदा बेहोशी की हालत में मिलता है। ये बंदा और कोई नहीं जॉय ही होता है। वावा फौरन जॉय को हॉस्पिटल ले जाता है उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। डॉक्टर जॉय की इंस्पेक्शन करने पर यह बात पता चलती है कि इसकी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स खराब हो चुके हैं, और इसी तरह डॉक्टर ने इसके पैरों से कुछ कीड़ों को निकाला, कुछ वॉर्म्स को। वो वॉर्म्स पुणे को भेजा टेस्टिंग के लिए। अब वावा ने ही जॉय को हॉस्पिटल ले आया, सारा खर्चा वावा का ही है। डॉक्टर वावा से कहने लगता है कि इसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, तो या तो तुम इस बंदे को ऑब्जर्वेशन में रखो या तो एक हफ्ते बाद दोबारा हॉस्पिटल लाओ। वावा के पास और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से जॉय को अपने घर ले जाता है। हर घर में आने के बाद जॉय हमेशा पानी के पास बैठकर अपने साथ कुछ ऐसे ही बड़बड़ाते रहता है। हमेशा वावा जॉय के पास आकर यही कहने लगता है, अरे यार तुम पता नहीं कहाँ से आए, तुम जहाँ से आए हो वहीं पर चले जाओ, मैं यहाँ पर अपना ही गुजारा नहीं कर सकता। तभी जॉय वावा से कहने लगता है, अरे भाई यहाँ पर तो काफी सारी मछलियाँ है, क्या आप इस जाल को इस्तेमाल नहीं करते, चलो भाई हम मछलियाँ पकड़ते हैं। वावा कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी मछली नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। लेकिन फिर भी जॉय वावा से जबरदस्ती कर वो जाल पानी में फेंकता है और कुछ अजीब सी आवाजें करने लगता है। जाल को ऊपर खींचने पर इन दोनों को काफी सारे झींगे मिलते हैं। इतने सारे झींगे देखकर वावा वावा कहने लगता है। दूसरे दिन से वावा और जॉय बोट लेकर नदी में जाने लगते हैं, कभी मछलियाँ कभी खेकड़े पकड़ने के लिए। पानी में जाने के बाद जॉय कुछ अजीब सी आवाज करने पर मछलियाँ अपने आप जाल में फंसने लगती है। एक दिन जब ये दोनों खेकड़े पकड़कर मार्केट जा रहे होते हैं बेचने के लिए, रास्ते में वावा को बालन और उसका आदमी मिलता है। बात यह है कि वावा के फादर और वावा ने बालन के पास कुछ पैसे उधार लिया था, अभी तक वावा ने बालन को वो पैसे नहीं चुकाए। बालन से और थोड़ी मोहलत मांगने लगता है। अब इसी दरमियान में वहां के लोग जॉय को देख लिया था और उन लोगों से वावा ये स्टोरी सुनने लगता है कि जॉय के जैसा ही एक बंदा सजीवन नाम के एक बंदे को मार दिया। अब वावा को ही नहीं पता कि जॉय कहां से आया, इसके पास इसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, घर नहीं, गांव का नाम नहीं। जॉय से पूछने पर भी जॉय कुछ भी नहीं बताता। सो जॉय के बारे में कुछ रूमर सुनकर वावा को थोड़ी घबराहट होने लगती है, और इसी तरह जब जब जॉय कुछ अजीब सी बातें करते रहता है। इसकी बातों से ये बात पता चलती है कि जॉय इस देश का ही नहीं, लेकिन फिर भी जॉय की वजह से वावा को बहुत ही अच्छा फायदा हो रहा होता है। बस नदी में जाकर जॉय मछलियों को बुलाने पर मछलियाँ अपने आप जाल में आकर फंसती रहती। अब वावा की तरक्की देखकर बालन का आदमी वावा के पास जाता है पैसे मांगने के लिए, लेकिन जॉय उस बंदे को मार पीट के वहाँ से भेज देता है, क्योंकि वो बंदा वावा से बदतमीजी से पेश आ रहा था। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं, वावा के पास अच्छे खासे पैसे भी आने लगते हैं। वावा बालन के कर्जे को उतार देता है सूद समेत। कल तक वावा किसी के नीचे काम करता आ रहा था, लेकिन आज इसके पास 4 बोट है और सोसाइटी में इसकी इज्जत भी बढ़ चुकी होती है। बालन भी वावा को देखकर डरने लगता है। खैर एक दिन सडनली पुलिस वाले जॉय को पुलिस स्टेशन में डाल देते हैं, क्योंकि वावा जिस गांव में रहता था उसी गांव में कोचुरामन नाम का एक बूढ़ा आदमी भी रहता था। धीरे धीरे कोचुरामन जॉय से दोस्ती कर लिया। कहा जाता है कि कोचुरामन को नक्सल से लिंकअप है। एक रात कोचुरामन और जॉय एक जंगल में जाकर वहाँ पर आग जलाकर एंजॉय वगैरह कर रहे थे। अब वो प्लेस रिस्ट्रिक्टेड एरिया होने की वजह से पुलिस वालों ने जॉय और कोचुरामन को गिरफ्तार कर लिया, और इसी तरह एंटोनी नाम का एक पुलिस वाला हम ऑडियंस को अपनी साइड से कुछ स्टोरी बताने लगता है। खैर जब जॉय की बात लीसी को पता चलती है, लीसी जॉय को देखने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन पुलिस वाले लीसी को परमिशन नहीं देते। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर मुरली और प्लैंको आते हैं, यही कंफर्म करने के लिए कि ये बंदा जॉय है या तो कोई और। मुरली को कंफर्म हो जाता है, और थोड़ी देर बाद वहाँ पर वावा आता है। उस पुलिस वाले से कहने लगता है कि ये तो मेरा आदमी है, इसे बेल दिलवा दो, आपको कितना चाहिए। लेकिन वो पुलिस वाला वावा को भी डरा धमका कर वहाँ से भेज देता है। उसके बाद ये पुलिस वाला हम ऑडियंस को ये बताने लगता है कि हमने उस बंदे को बहुत ही पोलाइटली पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, लेकिन अंदर की बात यह है कि सारे पुलिस वाले जॉय को बहुत ही बेरहमी से मारा पीटा, पूछने लगे थे तुम कहाँ से आए,
लेकिन जितना मारने के बावजूद भी बेचारा जॉय अपना मुंह नहीं खोला। और इसी तरह पुलिस वालों को यह शक होता है कि जॉय ने ही सजीवन नाम के एक बंदे को मारा। खैर उसके बाद एक रात पुलिस वाले जॉय को किसी जगह पर ले जाकर उसे वहाँ पर छोड़ देते हैं। कहने लगते हैं कि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं, जहाँ पर जाना चाहते हैं चले जाओ। पुलिस वाले जाने के बाद तभी वहाँ पर मुरली की गैंग आती है। मतलब मुरली ने पुलिस वालों से ऑलरेडी ये बात कर ली थी कि जॉय को हमारे हवाले कर दो। उसके बाद मुरली अपने हाथ में गन लेकर जॉय के पास आकर उसको मार देता है। जब जॉय की लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोबारा वहाँ पर आते हैं, जॉय की लाश वहाँ पर नहीं होती। इस तरफ वावा को यह बात पता चलती है कि पुलिस वालों ने जॉय को छोड़ दिया। सो वावा जॉय को काफी जगह पर ढूंढने लगता है, लेकिन वो नजर नहीं आता। चैप्टर 3 मुरली 2020 की कहानी। ये चैप्टर मधुस्मिता नाम की एक औरत हमको बता रही होती है। कुछ सालों पहले जब मधु का पति गल्फ में था, किसी वॉर की वजह से मधु की पति की डेथ हो गई। तब से लेते हुए मधु अपनी अकेली जिंदगी गुजारती आ रही है। और इसी तरह मधु किसी अचार की दुकान में काम करती है। एक दिन जब मधु अपना काम खत्म करके जब अपने घर गई थी, तो अचानक से इसके घर में एक अजीब का क्रिएचर नजर आया। और वो क्रिएचर और कोई नहीं, जॉय ही होता है। मधु डर के मारे फौरन अपने घर के पास पुलिस वालों को बुलाती है। ये लोग भी जॉय को देखकर डर जाते हैं। तभी सारे टीवी न्यूज चैनल्स में यही न्यूज चलने लगती है कि केरला के किसी गांव में एक अजीब का क्रिएचर देखने को मिला। शक्ल से ये इंसान ही लगता है, लेकिन इसके हाथ पैर मेंढक जैसे हैं। कुछ लोग इसको फ्रॉग मैन कहने लगते हैं, कुछ एलियन, कुछ समुद्र का क्रिएचर और कुछ भगवान का अवतार। पुलिस वाले मधु के घर को सीज कर देते हैं और जॉय को खाने के लिए कुछ वेजिटेबल्स वगैरह डालते रहते हैं। कुछ ही सेकंड में मधु के घर के पास काफी सारी भीड़ जमा होती है और ऊपर से वो टाइम कोविड का टाइम होता है। इसी दरमियान में एक कांस्टेबल मधु को एक आइडिया देता है, पैसे कमाने का आइडिया, कि मैडम आप यहाँ पर टिकट काउंटर खोल दो। जो कोई भी उस क्रिएचर को देखना चाहता है वो पहले 500 रुपए पे करे, तभी हम उसको अंदर भेजेंगे। तो इस तरह से ये कांस्टेबल वहाँ की पब्लिक से पैसे लेकर उस क्रिएचर को देखने के लिए परमिशन देता रहता है। अब वहाँ पर जो कोई भी जाता, खिड़की के थ्रू अपने फोन में उसकी वीडियो बनाता, फोटो निकालता। ये वीडियो इमेजेस सोशल मीडिया में और वायरल होने लगती है। इस बात को लेकर टीवी न्यूज चैनल्स में डिबेट भी बैठती है। हर कोई भी अपने अपने अंदाजे से बताने लगता है कि वो क्रिएचर है या तो फिर कुछ और। अब यही न्यूज देखकर वावा वहाँ पर आता है। मधु से कहने लगता है कि मैडम मुझे लगता है कि मैं उस बंदे को जानता हूँ, एक बार प्लीज मुझे उसे देखने दीजिए, उसे बात करना है मुझे। मेरे पास 500 रुपए नहीं, सिर्फ 100 रुपए है। लेकिन मधु इसको परमिशन नहीं देती। इसी दरमियान में एक और बड़ा ऑफिसर मधु के घर के पास आता है, उस क्रिएचर को देखता है। पब्लिक से कहने लगता है कि एक इंसान और मेंढक का मिलन है। अब इसी दरमियान में वहाँ पर प्लैंको भी आता है, जॉय को देखता है। फौरन वो मुरली के पास जाकर यही कहने लगता है कि भाई वो अभी भी जिंदा है। मुरली कहने लगता है, अरे यार उस दिन मैं तो उसे ढंग से गोली मारी थी, दो गोलियां मारी, कैसे जिंदा हो गया वो। खैर अब यही न्यूज देखकर वहाँ पर लिसी भी आती है, लेकिन पुलिस वाले इसको परमिशन नहीं देते। पुलिस वाले खुद मधु को अपने घर में जाने नहीं देते। 2 या 3 दिनों तक बेचारी मधु अपने घर के बाहर ही बैठी रहती है। इसी में यहाँ पर हमको एक और बात पता चलती है कि जिस डॉक्टर ने जॉय को एग्जामिन किया था, उसके पैर से कुछ कीड़े निकाले थे। वो कीड़े टेस्टिंग के लिए पुणे भेजा था। उस दिन पुणे की वो डॉक्टर उन कीड़ों को किसी शीशे में बंद करके रखा था। कुछ ही दिनों बाद उन कीड़ों से पौधे निकलने लगे और ये बात सच में आश्चर्यजनक है। डॉक्टर्स भी शॉक में रह जाते हैं। खैर इस तरफ एक रात मौका देखकर मुरली की गैंग मधु का दरवाजा तोड़ के जॉय के पास जाते हैं। मुरली दोबारा अपने गन से जॉय को मार देता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर पुलिस और वहाँ की पब्लिक मुरली की गैंग के पीछे जाती है, लेकिन पता नहीं चलता कि किसने गोली चलाई। दूसरे दिन टीवी में यही न्यूज चलने लगती है कि कोई अनजान लोग फ्रॉग मैन को मार दिया। खसवा सीन 2023 में शिफ्ट होता है पेरिस। पेरिस में एक म्यूजियम होता है जिसमें काफी सारे स्पीसीज मौजूद होते हैं। पेरिस की गवर्नमेंट केरला स्टेट से रिक्वेस्ट करके जॉय के स्केल्टन को अपने पास ले आती है, अपने म्यूजियम में रखने के लिए। तभी हम ये देखते हैं कि जॉय के स्केल्टन से धीरे धीरे उसकी बॉडी फॉर्म हो रही है या तो फिर उसके अंदर से पौधे उग रहे हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। अब मूवी के एंडिंग के बारे में बात करें तो एक्चुअली ये मूवी एक नेचर बेस्ड मूवी है। बीच बीच में कुछ कैरेक्टर्स आकर कुछ स्पीसीज के बारे में जिक्र करते रहते हैं। कुछ डॉक्टर्स ये भी कहने लगते हैं कि हमारे धरती से कुछ स्पीसीज विलुप्त हो रहे हैं, ऐसे स्पीसीज को हम प्रोटेक्शन देना चाहिए क्योंकि वो भी एक जीव है, उनको भी जीने का हक है। और इसी तरह हम इंसान जंगलों में भी अपना डेरा डाल रहे हैं, फैक्ट्रीज वगैरह बनाकर नदी के पानी को पोल्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी के स्पीसीज मरते जा रहे हैं। और जो लोग स्पेशली दरिया के पास होते हैं, ऐसे लोग मछलियाँ वगैरह पकड़कर ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे फैक्ट्रीज बनने पर उनको नुकसान हो सकता है। अब जॉय के बारे में बात करें तो जॉय एक मिस्टीरियस मैन है या तो फिर एक क्रिएचर। जॉय पानी में कई स्पीसीज से कॉन्टेक्ट हो सकता है, उनसे बात कर सकता है, उनको अपने पास आकर्षित कर सकता है।
अब जो है फ्रॉगमैन कैसे बना इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, शायद ये पानी में रहते रहते ऐसा हो गया। और इसी तरह इस मूवी की इरोनी ये है कि जॉय एक नेचर है। अगर आपने ऑब्जर्व किया कि जॉय जिस घर में भी रहता उन घर वालों को जॉय से फायदा ही होता है ना ही कि नुकसान। मतलब जितना हम नेचर को लाइक करेंगे प्रोटेक्ट करेंगे नेचर भी हम इंसानों को उतना ही फायदा देगा। अगर हम नेचर को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो नेचर हमको पलट के रख देगा, जैसे जॉय ने सजीवन को मारा और इसी तरह बालन के आदमियों को भी। मूवी में एक और भी बात बताई गई कि जॉय मच्छी नहीं खाता, मतलब नदी और दरिया के कोई भी स्पीसीज नहीं खाता। अब ये मूवी डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवी है इसीलिए कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी। जो भी हो इस मूवी को अवार्ड्स बहुत मिले। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।